चार्ज का क्या रहता है इसमें, मगर हो सकता है चेंज होगा। लेकिन हमारी एक्सरसाइज शुरू कर दी हम लोग, अब आज एक्सरसाइज शुरू होगी, फिर मैं चार्ज लेने के बाद ऑल सेक्रेटरीज के साथ मेरी बैठक होगी, फाइनेंस मिनिस्टर से भी करूंगा, फिर हम पूरे सेक्रेटरीज पूरे हमारे चेयरमैन से मिलके, अब जो डिफरेंस नहीं रहना, पार्टी अलग गवर्नमेंट अलग नहीं, पार्टी गवर्नमेंट, पार्टी बोली गवर्नमेंट आई, अब दोनों मिलके दो बैल को मंडी जाना है तो दो बैला बराबर चले तो मंडी अच्छी स्पीड से भागती। इसीलिए ये मैं शुरू गांधी भवन से कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से, कि हमारे पॉलिटिकल जो हमारा कमिटमेंट और गवर्नमेंट कमिटमेंट एक साथ होना चाहिए। अब वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मिलने के बाद ही मैं बोल सकूंगा। आज तो हम जो वादे कर रहे करे थे कि माइनॉरिटीज का 4000, ओबीसी का है सब प्लान है, माइनॉरिटी सब प्लान है, बीसी सब प्लान है, हम इसमें अभी अर्जेंट इस साल के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, वो सब हम इस पर गौर कर रहे हैं। ये पहली मीटिंग है हमारी, तो ये डिसीजन नहीं है, हम मशवरा देने वाले हैं और हुकूमत तक हमारी आवाज को पहुंचाने वाला हमारा डिपार्टमेंट है। नहीं मैं बजट चपले बीसी सब प्लान अन्म एंकंटे टीआरएस गवर्नमेंट लो एससी एसटी सब प्लान को ग्यारंटी उन्ना बजट एंत इच्छा अभी खर्च काकुंटे नेक्स्ट इयर लो क्यारी फारवर्ड अंटर मिगिलना बजट कुत्त बजट लो चेर्चाला अभी एप्पुडु चेयले केसीआर मीरु तुम पदि बजट लो चूडंडी एससी एसटी मैनारिटी बीसी लो 60% कंटे एक्कुव खर्च एप्पुडु गाले 55-56% खर्च मिगिलिन पैसलु वापस ई सब प्लान ग्यारंटी अंटे एमंटारंटे खर्च काकुंटे ओकवेळ कोन्नि खर्च कादु కాలేనప్పుడు ఈ ఖర్చు గాని అమౌంట్ నెక్స్ట్ కొత్త బడ్జెట్ లో షేర్ చేస్తారు క్యారీ ఫార్వర్డ్ దాంతోనే వస్తుంది అది మేము కమిట్మెంట్ చేసినాం మా ప్రభుత్వంలో ఇట్లా జుబ్బిచ్చి 4000 కోట్లు ఖర్చుకు 2000 కోట్లు ఇచ్చి ఓహ్ 4000 కరోడం దేది అని అట్లా తప్పు లెక్కలు చెప్పి ప్రభుత్వం అది కాదు జెన్యూన్ గా చెప్పేసాం ఎస్ ఫైనాన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మేము అన్నాం ఇంత కానీ ఇంత లేదు ఇంత చేయగబోతున్నాము అని డైరెక్ట్ గా బడ్జెట్ లోనే చెప్పబోతాం ఈ సంవత్సరం కొన్ని ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో దివాలా దీపించిపోయినాడు కేసీఆర్ గారు అన్ని రంగాల్లో 6,60,000 కోట్ల బడ్జెట్ నష్టాల్లో ఉన్నది చెప్తూ అని నేను చెప్పినా అని తక్కువ చేయము మా మేము ఇచ్చిన అంచనాకు పూర్తి చేసేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నాం मैं मेरे को कल ही पेपर में पढ़ा अब ये मीटिंग के बाद मैं पहला काम वो भी कर रहा हूं कि सेक्रेटरीज को बुलाकर हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर सेक्रेटरी को बुलाएंगे फिर उसके बाद वहां कुछ दिक्कत है तो फाइनेंस सेक्रेटरी से बात करके इमीडिएटली पैसे रिलीज कराऊंगा। देखिए करने का अगर दिल है तो कैसा भी हो जाता हो, अब हमारे को दिल है दम है करना बोल के हमारे सच है, हमने रिजर्वेशन देने का वादा किया किया, हाईकोर्ट में 3 दफा हार गए, सुदर्शन रेड्डी बेंच पे हार गए, अनिल धावे बेंच पे हार गए, आपके मीना कुमारी बेंच पे हार गए, सुप्रीम कोर्ट में 2 खोत हारे, आखिरी में स्टे लाके चला रहे, तो ये भी हार जीत में कोशिश करते रहना है, नाउम्मीद नहीं होना है। अब हमारे बलिया नायक साहब 2 मिनट बात करेंगे।